ओकारी कार्टून। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक रील का प्रीव्यू शो हो रहा होगा। तो ये जो ट्रेंड है, इसके ऊपर आपको भी अगर इस इफेक्ट के साथ एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो उसे आप कैसे बना सकते हो, इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और ऐसे ही नए नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ये जो ट्रेंड है, इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो यहाँ पर आपको टोटल आपकी 6 फोटोज़ लगेंगी। एक आपका चाइल्डहुड का फ़ोटो लगेगा और जो 5 बाकी की फ़ोटो है वो आपके रिसेंट फ़ोटोज़ यहाँ पर लग जाएंगे। तो टोटल 6 फ़ोटो आपको यहाँ पर रेडी करनी है। इसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी मूव कर रहा हूँ, ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। स्क्रीन के नीचे सबसे पहले आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो आपको एक वीडियो और फोटो का ऑप्शन दिखेगा, तो फोटो वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। अभी यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑल का ऑप्शन दिखेगा, तो ऑल के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल पे जितने भी फोल्डर है वो सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो आपका चाइल्डहुड वाला पिक है उसे सिलेक्ट करना है। तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने वो फोटो रखा होगा उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है, उस चाइल्डहुड वाले फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको 5 आपकी रिसेंट फ़ोटो सिलेक्ट करनी है। तो फिर से जिस भी फोल्डर में आपने रिसेंट फ़ोटोज़ रखी होंगी उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करके रिसेंट फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर 5 सिलेक्ट कर लेनी है। तो टोटल आपको स्क्रीन के ऊपर 6 नंबर शो हो जाएंगे, आपकी एक चाइल्डहुड वाली पिक और यहाँ पर जो 5 रिसेंट पिक है, दोनों मिला के 6 नंबर आ जाएगा। उसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आपने सिलेक्ट किया था कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अभी वीडियो के एकदम एंड में जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्लैक कलर का स्क्रीन आपको दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी वीडियो के स्टार्टिंग पर जाना है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर एकदम सेंटर में आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक 9:16 का फ्रेम रेशो दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है और ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर जो फ़ोटो के बाहर नीचे शो हो रहे हैं उसमें से एक एक फ़ोटो को मैन्युअली सिलेक्ट करके यहाँ पर इस फोटो को अभी आप देख सकते हो 9:16 का आपने फ्रेम सिलेक्ट किया, लेकिन कुछ कुछ फ़ोटो को आप देख सकते हो इस वाले फ़ोटो को ऊपर आपको यहाँ पर बॉर्डर शो हो रहा है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले फ़ोटो के बाहर को सिलेक्ट करना है और ऊपर इस फ़ोटो को जाकर इस तरीके से जूम करके आप यहाँ पर इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो सारे फ़ोटोज़ को आपको इस तरीके से यहाँ पर मैन्युअली एडजस्ट कर लेना है। सारे फोटोज़ को एडजस्ट करने के बाद आपको स्क्रीन के एकदम स्टार्टिंग पे आना है, मतलब वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक ऑप्शन दिखेगा टैप टू ऐड म्यूज़िक, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर म्यूज़िक के ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। अभी ये जो ट्रेंड है इसके लिए एक बैकग्राउंड ऑडियो आपको लगेगा, तो ये बैकग्राउंड ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कहीं पर से भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना और वहाँ से इस बैकग्राउंड ऑडियो को डाउनलोड कर लेना। ऑडियो को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आके आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने आपको एक चूज़ का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन 100% रखना है, फेड इन फेड आउट 0 रखना है और नीचे आपको अभी एक म्यूज़िक बीट्स का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर टोटल 5 बीट ऐड करनी है। तो बीट कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जहाँ पर मैं अभी स्क्रीन के ऊपर टैप करूँ यहाँ पर 0.00 ऐसे आपको नंबर दिखेगा और जैसे इस ऑडियो के बार को मैं आगे करूँगा तो यहाँ पर टाइम बढ़ते जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो बीट है उसका टाइम है 5.47, तो 5.47 आने तक आपको इस तरीके से इसे मूव करना है, जैसे अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 5.47 आ चुका है। तो इस पॉइंट पर आके स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको एक रेड कलर का सर्कल बटन दिखेगा जिसमें एक फ्लैग बना हुआ है, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा। सिमिलरली जो सेकेंड बीट है वो है 6.51, तो 6.51 आने तक आपको इस तरीके से इसे मूव करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 6.51 आ चुका है। तो फिर से आपको ये जो फ्लैग वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर सेकेंड नंबर आ जाएगा। तो बचे हुए जो बाकी के 3 बीट है उनका टाइम मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा, उस हिसाब से आप सारे बीट अरेंज कर लेना। सारे बीट अरेंज हो जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से 5 नंबर शो हो जाएंगे ऑडियो के बारे में। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इतना हो जाने के बाद अभी आप देख सकते हो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ऑडियो का बार है, उसमें आपको अलग अलग वर्टिकल लाइन दिखेंगी छोटी छोटी। तो आपको हर एक फ़ोटो को सिलेक्ट करके इस तरीके से हर एक वर्टिकल लाइन तक अरेंज करना है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट वाले फ़ोटो के बार को सिलेक्ट करना है और जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है वहाँ तक इसे ड्रैग करके ले लेना है।
इसके बाद आपको सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करना है और सेकेंड फोटो को उस पॉइंट तक ड्रैग करना है। थर्ड लाइन को सिलेक्ट करके थर्ड फोटो को ड्रैग करना है। फोर्थ लाइन को सिलेक्ट करके फोर्थ फोटो को ऐसे हर एक लाइन तक हर एक फोटो को ड्रैग करना है। अभी आप देख सकते हो सारे फोटोज को यहाँ पर मैंने ड्रैग कर लिया, लेकिन जो लास्ट वाला फोटो है इसके लिए आपको ऊपर कोई लाइन नहीं शो हो जाएगी। तो लास्ट वाला फोटो आप जहाँ पर ऑडियो का बार एंड हो रहा है उस पॉइंट तक आपको इसे ड्रैग करके ले लेना है, जैसे मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। इतना हो जाने के बाद आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पे जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक FX का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर अभी आपको एक जूम इन का ऑप्शन दिखेगा, तो जूम इन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर नीचे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी फिर से आपको फर्स्ट वाले फोटो के बार को सिलेक्ट करना है, FX के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर अभी लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एक नन का ऑप्शन दिखेगा, उसे सिलेक्ट करके नीचे एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी वीडियो को एकदम आपको स्टार्टिंग पे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखेगा टैप टू एड सबटाइटल, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करके यहाँ पर एक छोटा सा कीबोर्ड का आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर अभी आपको जो फर्स्ट आपने चाइल्डहुड वाली फ़ोटो अपलोड की है वो जब खींची होगी, मतलब 1994-1996, तो वो जो ईयर है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको वो ईयर मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पर AA का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर जाके आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। कलर में जाके यहाँ पर आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिलेंगे, तो उसमें से कोई भी एक टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद इसका साइज़ कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद जिस पोजिशन में आपको इसे रखना है वहाँ पर आप रख सकते हो। इसके बाद नीचे आपको एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये टेक्स्ट का बार है, तो ये फर्स्ट टेक्स्ट का बार आपको जहाँ पर आपके ऑडियो के बार में जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है वहाँ तक इसे ड्रैग करके ले लेना है। इसके बाद जो ऑडियो के बार में फर्स्ट वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर एक T+ का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर टेक्स्ट पे चले जाना है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करके कीबोर्ड के ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पर अभी आपने जो रिसेंट फोटोज जो ऐड किए तो आपको वो फोटोज कभी किया, मतलब 2021 होगा, तो वो आपको इस तरीके से यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद सेम आपको फॉन्ट वगैरह सिलेक्ट करके जो भी यहाँ पर आपको डेकोरेट करना है वैसे आप कर सकते हो। और यहाँ पर साइज़ वगैरह इंक्रीज करके जहाँ पर इसे रखना है वहाँ पर रख सकते हो। और नीचे आपको एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये जो सेकंड टेक्स्ट का बार है इसे आपको सिलेक्ट करके इसका राइट एंड आपको वीडियो जहाँ पर एंड होता है उस पॉइंट तक इसे ड्रैग करके ले लेना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। ये वीडियो यहाँ पर के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।